डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हाउ द पॉइंटर्स एक्चुअली वर्क्स ऑन एरे। मतलब हमारे पास अगर एरे दिया हुआ है, उस एरे के ऊपर पॉइंटर्स के थ्रू हम कौन कौन से छोटे छोटे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। और ये टॉपिक ना एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम और कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ इंटरव्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल से ही एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल ली है। बढ़िया एग्जाम्पल मैं क्यों कह रहा हूँ, अच्छी एग्जाम्पल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक ही एग्जाम्पल से आपके सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेन के अंदर हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक एरे, ठीक है। एरे का साइज क्या ले लिया, 5। मतलब 5 एलिमेंट्स हमने इसके अंदर डाल सकते हैं। तो 5 एलिमेंट्स हमने डाल दिए, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले इसी लाइन को इवैल्यूएट करो। इस लाइन को इवैल्यूएट करने का मतलब क्या है कि जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि पॉइंटर्स के क्वेश्चन जब भी करते हो तो इसको विजुलाइज करो, इसको देखो कि ये कैसे काम कर रहा है। तो मेमोरी में हमने एक तरह से 5 लोकेशंस जो है वो ऑक्यूपाई कर ली, 5 एड्रेसेस हमें मिलेंगे। और देखो एड्रेसेस जो है जनरली मैं हमेशा जो है 1000 से स्टार्ट करता हूं। तो लेट्स से 1000 जो है वो एड्रेस पहली वैल्यू को मिल गया, ठीक है। कॉन्टिग्यूस मेमोरी है, बहुत सारी लोकेशंस है, हमने पहली वैल्यू जो है वो 1000 एड्रेस पे इस तरीके से डाल दी। अब देखो यहां पे ये जो एरे लिया है इंट टाइप का है, तो इंट टाइप का है तो ऑब्वियसली 2 बाइट का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द प्लेटफॉर्म। तो लेट्स से हम यहां पे 4 का ले लेते हैं, अब जो भी वैल्यू लेना चाहो ले सकते हो। तो 4 बाइट का अगर मेरा इंटीजर है तो यानी मेरा नेक्स्ट लोकेशन जो होगा वो 1004, उससे नेक्स्ट 1008, 1012, 1016, ठीक है। इस तरीके से मैं एड्रेसेस जो है वो वैल्यूज को दे देता हूं ताकि मैं प्रॉपरली इसको इवैल्यूएट कर सकूं। अब हमेशा सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, जनरली हम करते क्या है, जैसे हम int x is equal to 10 कर देते हैं, मतलब एक हमने सिंपल x एक वेरिएबल ले लिया, तो उस x को ना एक एड्रेस मिलता है, लोकेशन जो है वो मिल जाती है मेमोरी के अंदर। लेकिन जब भी हम एरे इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ये जो x आपको दिख रहा है ना, ये x जो है वो कहीं पे स्टोर नहीं है। x की जो वैल्यूज है 5 वो स्टोर है, लेकिन खुद x यहां पे क्या है, एक न्यूमोनिक है। इसको आप सिंबल, एक रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हो। तो सबसे पहली चीज याद रखना कि x जो है कहीं पे भी आप अगर x लिखते हो तो उसका मतलब पता है क्या है, उसका मतलब है इनिशियल एड्रेस। तो जो एरे का इनिशियल एड्रेस होता है, जो भी पहला एड्रेस होता है, वो बाय डिफॉल्ट x की वैल्यू हो जाती है। ये सबसे पहला सबसे बेसिक पॉइंट है। तो x की वैल्यू एक तरह से क्या हो गई, 1000, ठीक है। देन int star p, अब हमने क्या ले लिया यहां पे, पॉइंटर वेरिएबल यहां पे ले लिया। तो पॉइंटर वेरिएबल लिया तो लो जी p हमने ले लिया एक पॉइंटर वेरिएबल, और यहां पे इस पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस लेट से मैं 2000 कुछ भी रख सकता हूं, 2000 रख दिया, अभी कुछ इसमें साइन नहीं किया। नेक्स्ट लाइन देखो, m% x0, यहां पे हमने क्या कर दिया, x of 0, मतलब x of 0 कौन सी है, 0 1 2 3 4। इस तरीके से हम एरे को डिफाइन करते हैं। तो x of 0 का जो एड्रेस है, वो क्या है, 1000, वो हमने p में डाल दिया। तो देखो अगर आप इस चीज को सिंपल भी लिख दो ना, मतलब आप इस x of 0 की जगह अगर आप ऐसे भी लिख दो ना, तब भी बात एक ही है, ठीक है ना, वो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आपको पता है जो इन एक्स है वो क्या है, 1000, तो बाय डिफॉल्ट 1000 ही पी में जाएगा, ठीक है। तो आपको स्पेशली 0 मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आप लिखते हो तब भी प्रोग्राम जो है वो आपका चल जाएगा। तो 1000 लो जी ये पॉइंट कर रहा है पहली वैल्यू को। देन प्रिंट एफ x of 0, ये मैंने x of 0 क्यों किया, ऑब्वियसली आपको पता है सर x of 0 तो 1 ही होता है, तो इसमें पॉइंटर का तो रोल नहीं है, बट फिर भी आपको पता तो होना चाहिए ना कि कैसे काम करता है। तो x of 0 का मतलब क्या है, एक तरह से x of 0 या आपको ऐसे लिख सकते हो, x की वैल्यू क्या है, x मैंने पहले ही बता चुका हूं 1000, तो 1000 प्लस 0, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। तो 1000 प्लस 0 क्या होता है, 1000, और उस 1000 के आगे एक तरह से क्या है, स्टार, मतलब इसके आगे क्या है, स्टार, क्योंकि 1000 का मतलब आप यहां खड़े हो, अभी अंदर नहीं गए, लेकिन आगे स्टार लगा दोगे तो आप अंदर जाके वैल्यू को उठा सकते हो, तो 1 जो है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो x of 0 का मतलब क्या है, 1000 प्लस 0 का स्टार। अब लेट से x of 1 आपको कह दें, यहां पे x of 1 कह दें, तो आपको लगेगा सर 1000 प्लस 1, क्योंकि x of 0 की जगह अगर मैं x of 1 ले लूं तो 1000 प्लस 1 और आगे क्या लगा दिया, स्टार, मतलब 1001 का स्टार।
वो तो गलत हो जाएगा, 1001 तो है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि इसने चार बाइट ले लिए। तो यानी जब भी आप एक ऐड कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1000+1 इंटू, मतलब मल्टीप्लीकेशन में साइज ऑफ इंटीजर। तो साइज ऑफ इंटीजर क्या है, चार। तो साइज ऑफ इंटीजर अगर चार है तो ये 1000 क्या हो गया, चार। 1004 के आगे स्टार मतलब वैल्यू 2 फेच कर लो। ये सिंपल सी कहानी है। देन प्रिंट एफ स्टार पी, स्टार पी का मतलब क्या है, अब आपको पता लग ही गया पी क्या है, 1000। 1000 मतलब आप यहां पे खड़े हो, आप इसके बाहर यहां पे खड़े हो, उस 1000 के आगे स्टार लगा दिया। स्टार लगा दिया मतलब आप अंदर चले गए, अंदर चले गए तो वैल्यू को फेच कर लो, सिंपल। देन स्टार पी प्लस प्लस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। स्टार पी प्लस प्लस का यहां पे मतलब क्या है, देखो स्टार पी प्लस प्लस यहां पे आप अगर देखो ध्यान से तो ये दोनों क्या है, यूनरी ऑपरेटर है। स्टार पी प्लस प्लस दोनों क्या है, यूनरी ऑपरेटर है। जब भी हम दोनों यूनरी ऑपरेटर यूज करते हैं तो प्रायोरिटी तो दोनों की बराबर है, तो फिर प्रायोरिटी अगर बराबर है तो क्या होगा, एसोसिएटिविटी। और एसोसिएटिविटी क्या होती है, राइट टू लेफ्ट। इनकी एसोसिएटिविटी क्या होती है, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट का मतलब क्या है, पहले राइट वाले को परफॉर्म करो और फिर लेफ्ट वाले को, दोनों में से राइट कौन सा, ये तो पहले इसको फिर इसको, लेकिन ये क्या है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट। तो चाहे आप इसको ऐसे कर लो, जैसे मर्जी कर लो, इसने जो है वो आपका वन रिजल्ट ही देना है, मतलब इसने कोई इंक्रीमेंट करना ही नहीं है। लेकिन कब इफेक्ट पड़ेगा, जब नेक्स्ट लाइन करोगे। नेक्स्ट लाइन कौन सी है, प्लस प्लस स्टार पी। अब देखो है तो ये भी सेम ही, वही यूनरी ऑपरेटर है, राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी है। तो राइट टू लेफ्ट का मतलब क्या है, इन दोनों ऑपरेशंस में से राइट में कौन सा है, स्टार। तो राइट में अगर स्टार है तो पहले स्टार को परफॉर्म करो और फिर प्लस प्लस को। तो इसका मतलब क्या बना, पी की वैल्यू क्या है, 1000। 1000 के अंदर जाओ, स्टार मतलब 1000 के अंदर जाओ, अंदर गए तो वैल्यू क्या मिली, 1। तो 1 के आगे प्लस प्लस कर दिया मतलब 1 की वैल्यू को 2 कर दिया। ये वैल्यू नहीं है, 1 की वैल्यू मतलब इसके अंदर लेट्स से आप 10 ले लो, आप इसके अंदर 10 ले लो, अगर आप इसके अंदर 10 ले लोगे तो 10 प्लस प्लस मतलब ये 11 प्रिंट कर देगा, ठीक है ना, ये है इसका मतलब। दूसरा, अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं, लेट से मैं स्टार आगे कर दूं और फिर प्लस प्लस पी, अगर मैं ऐसे कर दूं तो क्या होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव का मतलब पहले राइट वाला ऑपरेशन करो, राइट वाला ऑपरेटर पहले और फिर लेफ्ट वाला ऑपरेटर, ये राइट में है ये लेफ्ट में है, तो राइट वाला पहले करो। अब क्या कर दिया, पी के अंदर प्लस प्लस कर दिया। पी के अंदर प्लस प्लस का मतलब क्या है, ये जो 1000 है इसका प्लस प्लस, इसका प्लस प्लस मतलब ये इसको परफॉर्म कर रहा है, मतलब इसको पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब 1000 के अंदर प्लस कर दिया मतलब 1001, लेकिन 1001 नहीं होगा, 1000 प्लस 1 इंटू साइज ऑफ इंटीजर, वही 1004 हो गया। तो 1004 हो गया, 1004 का आगे स्टार, 1004 के आगे स्टार क्या है, 2, मतलब ये क्या प्रिंट कर देगा, वैल्यू 2। मतलब अगर इसके अंदर लेट्स से 20 होता तो आप 20 प्रिंट कर दोगे, ठीक है ना। मैं इसलिए लिख रहा हूं यहां पे 20 क्योंकि आप इस 2 और इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। तो इसीलिए अगर आप इसको परफॉर्म करते हो तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू सेम ही रहेगी। लेकिन इसमें जो है, अगर आप प्लस प्लस स्टार लिखते हो या स्टार प्लस प्लस, तो दोनों का आंसर जो है वो डिफरेंट आता है इस तरीके से। देन नेक्स्ट ऑपरेशन तो बहुत सिंपल है, पी प्लस फोर। पी प्लस फोर का मतलब क्या है, भाई पी की वैल्यू क्या है, 1000। 1000 प्लस फोर का मतलब क्या है, 1004 नहीं, 1004 की बजाय आप क्या करो, 4 इंटू साइज ऑफ एरे, साइज ऑफ इंटीजर। तो साइज ऑफ इंटीजर क्या है, 4, मतलब 1000 प्लस 16, जिसको आप लिख सकते हो 1016। तो 1016 के आगे स्टार, 1016 के आगे स्टार का मतलब क्या है, 5 वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी, ये स्टार है ना, तो 5 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो ये इस तरीके से काम करता है। देन हमने क्या किया, सेकंड एड्रेस, मतलब सेकंड का मतलब क्या है, एक्स ऑफ 2, एक्स ऑफ 2 मतलब 3, मतलब हमने 1008 एड्रेस, 1008 जो है वो साइन कर दिया। कोई बात नहीं, अब तो कुछ मर्जी कर लो, 1008 अगर मैं साइन कर दूं, मतलब ये किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। अब उसमें आप माइनस कर दो, मतलब ये इसलिए की है कि आप इजीली याद रखो कि पॉइंटर में हम प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस वन, प्लस टू, ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जो एरे में अगर आप एक्स वन
प्लस प्लस करते हो तो काम नहीं करेगा, मतलब इसमें ये परफॉर्म नहीं करता, लेकिन पॉइंटर में ये प्रॉपरली वर्क करता। तो माइनस वन करोगे तो एक तरह से 1008 माइनस वन का मतलब क्या है, 1004 पे पॉइंट करेगा। तो ठीक है, उस केस में जो भी वैल्यू होगी इस जगह पे वो प्रिंट कर देगा। माइनस प्लस आप इजीली कर सकते हो। अब कहानी आती है लास्ट में कि सर ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं ये इसका यूज कहाँ पे होता है, इसका एग्जाम्पल तो कोई दो। बेसिक तो हमें क्लियर हो गया, लेकिन ये यूज कहाँ पे होता है? तो देखो, ये यूज कहाँ पे होता है, जब हम एक एरे को फंक्शन के अंदर पास करते हैं। जब हम एक एरे को, ये देखो ये एरे आपके सामने है, इस एरे को हमने एक फंक्शन डिस्प्ले में पास कर दिया, ऐसे पैरामीटर हमने एरे पास कर दिया, और कॉलिंग फंक्शन में जब उसकी जो कॉलिंग है कहां पे कॉल हो रहा है, यहां पे, और वहां पे हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें तो तब आप पॉइंटर से ही कर पाओगे, तब आप पॉइंटर से करोगे। देखो कैसे, आपने 1 2 3 4 5 पास कर दिया, मतलब एम्परसेंट ए का मतलब क्या है, वही चीज, ए का इनिशियल एड्रेस, ए का इनिशियल एड्रेस जो भी होगा 1000, वो एक तरह से आपने पास कर दिया, वो यहां पे चला गया। स्टार पी मतलब पी जो है वो पॉइंट कर रहा है पहली वैल्यू को। अब आप वही सेम ऑपरेशन कर सकते हो, स्टार पी, पी प्लस थ्री, पी माइनस वन, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो वो इस तरीके से कर सकते हो। तो आपको रियल लाइफ यूसेज पता लग गई कि ये सारी चीजें हम क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम एक एरे को हमें फंक्शन के अंदर एज ए पैरामीटर पास करना होता है तो कॉलिंग फंक्शन में जो डेफिनेशन है उसके अंदर अगर मुझे कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उस एरे में तो कैसे करूंगा, पॉइंटर की हेल्प से। तो दिस इज हाउ पॉइंटर्स और एरे जो है वो, मतलब आपके एरे के ऊपर पॉइंटर्स जो है वो कैसे काम करता है। थैंक यू।